सर आपका नाम क्या हुआ सर? इंद्रदेव प्रसाद सुमन। सर अपना पूरा परिचय दें सर। पिताजी का नाम श्री तपेश्वर प्रसाद महतो। जी सर। मध्य विद्यालय बेका बिशनपुर। जी सर। प्रखंड घोरडीहा। जी सर। जिला मधुबनी। जी। सर इस स्कूल का नाम क्या है सर? राजकीय मध्य विद्यालय बेका बिशनपुर है। बेका बिशनपुर। जी सर। अभी फिलहाल अपने आप स्कूल में HM है। जी प्रभारी। प्रभारी हैं। जी 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 सर। यहाँ टोटल शिक्षक कितने हैं अभी फिलहाल? 11 टीचर हैं। जी इसमें लेडीज कितना है, महिला कितना है सर? महिला जो है सो 4 है। महिला 4। जी। और जेंट्स 7 है। 7 है। जी सर यहाँ किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई चल रही है? 1 से लेकर 8 क्लास तक। 1 से 8 क्लास तक। जी 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 सर। टोटल कितना विद्यार्थी हैं शिक्षक अभी? स्टूडेंट्स कितने हैं अभी? 293 बच्चे हैं। 293 बच्चे। जी सर आपके स्कूल में क्या क्या सुविधा है, कौन कौन सा सुविधा है, क्या क्या बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलता है, फैसिलिटी क्या क्या है? मेरे विद्यालय में तो टॉयलेट भी है। जी। और ट्यूबवेल भी है। जी। और डेस्क बेंच सब भी है। सर आपने इस सब का उठाया कि ये है वो है, अभी समस्या क्या है आपके विद्यालय में, क्या क्या चाहिए आप हमारे चैनल के माध्यम से? जी सरकार को, के पाठक साहब को क्या कहना संदेश देना चाहते हैं ताकि जो ये प्रॉब्लम है, जैसे आप बोलेंगे टॉयलेट, टॉयलेट क्या टू है, लेडीज का अलग है जेंट्स का अलग है? नहीं, एक जेंट्स टॉयलेट है। जी। एक लेडीज का टॉयलेट जो है सो मांग है। जी। और एक तो ट्यूबवेल का भी मांग है। जी। ट्यूबवेल भी थोड़ा कंडम स्थिति में है। जी। और सारी सुविधा तो है ही। जी। बाउंड्री का थोड़ा अभाव है इसमें, आधा अधूरा बाउंड्री है। जी। बाउंड्री को पूरा करवाना चाहते हैं। जी। और जो है सो मेरे यहाँ सब ओके है, सब सही है। जी जी सर आपके यहाँ, आप मान लीजिए पहले से हैं यहाँ? जी। कितना दिन से हैं यहाँ? हम तो 16 वर्ष से हैं। 16 वर्ष। जी सर आप के पाठक साहब जब से आए हैं? जी जी। उसमें और आप पहले थे उसमें कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं आया? परिवर्तन आया है। क्या क्या परिवर्तन आया है सर? जैसे पढ़ाई लिखाई, ये जो है टीचर लोगों को समय से विद्यालय आना, समय से विद्यालय से जाना। जी। और पठन पाठन में हम लोग लगे हुए हैं। जी। बच्चे सबको भी अच्छा तरक्की हुआ है। जी। जब से आए हैं के पाठक जी। जी। तो ये सब तो अच्छी बात है जी। आप के पाठक साहब के जो मान लीजिए कार्य का मान ये है, उससे आप लोग खुश हैं या नहीं? ना खुश हैं। देखिए इसमें थोड़ा परेशानी टीचर लोगों को होता है। क्या परेशानी है जैसे? परेशानी ये है जो 9 बजे से 5 बजे तक विद्यालय कर दिए हैं। जी। कुछ ऑफिशियली भी वर्क रहता है। जी। उसमें कभी कभी देखते हैं जो जिला जाना पड़ता है, तो ये थोड़ा परेशानी हो जाता है। जी। और हेडमास्टर को तो थोड़ा बहुत ब्लॉक का भी काम रहता है, वो सब भी देखना जी, पड़ता जी, है जी। तो ये सब तो ठीक रहता है हेडमास्टर के ऊपर। जी जी जी। तो ये सब तो ठीक है, ऐसा कोई बात आप नहीं। क्या उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि मान लीजिए वो कर सके? वो तो कर सके वो तो नहीं, उनको रिक्वेस्ट क्या करना चाहते हैं ताकि मान लीजिए अब क्या क्या गिरवांश है उनके प्रति, क्या मांग क्या है आप लोगों का जो मांग है? समय में बदलाव होना चाहिए, बोलिए ना। थोड़ा समय में बदलाव होना चाहिए, मतलब 10 से 4। जी 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 हाँ, 10 से 4 होना चाहिए जो व्यवहारिक हो, प्रतीत होता है। पहले से भी था ये समय और अभी भी ये समय होना चाहिए। जी यही ना। हाँ यही है। आपके यहाँ देख रहे हैं कि अभी खाना दे रहे हैं बच्चे को, टाइमिंग खाने का क्या है? टाइमिंग तो थोड़ा ये हो जाता है, बच्चे लोग आते हैं लेकिन रसोईया सब भी तो आते हैं समय से, लेकिन कभी कभी खाना का मेनू
जैसे आज जो है सो चावल है और आलू सोयाबीन का सब्जी है मीनू के हिसाब से, तो बन रहा है, बना है जी। बच्चे लोग भी खाए हैं, खा रहे हैं जी। और इसे फल भी लेकर फल में केला सेब ये सब देते हैं जी जी। बहुत तो जरूरी असेंशियल कर दिया है, जरूरी कर दिया। हाँ जरूरी 17 तारीख तक है ताकि बच्चे को विटामिन मिले जी। तो ये सब तो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है जी। तो ये सब ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। बच्चे का जनसंख्या बढ़ा है स्कूल में, मान लीजिए क्योंकि पाठक साहब जाने के बाद जैसे बच्चे का दो दो जगह एडमिशन रहता था। हाँ वो सब पर काबू आया है। हाँ बहुत बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते थे, वो सब बच्चे सब। एक चीज मैं आपको अगर पूछूं जी कि शिक्षक जो हैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं जी, आप पब्लिक स्कूल का नाम लिए प्राइवेट का जी, तो अभी भी मान लीजिए जो शिक्षक ही नहीं जितने पदाधिकारी हैं जो पैसा वाले हैं सब अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं, प्राइवेट में पढ़ाते हैं, क्यों क्या कारण है इसका? मतलब सरकारी स्कूल पर सरकारी शिक्षक पर उन लोगों को कॉन्फिडेंस विश्वास नहीं है जी जी, इसलिए वो अपना प्राइवेट से पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जब शिक्षक योग्य हैं हमारे यहाँ तो बच्चे को सरकारी जॉब का जो है उनका भी बच्चा पढ़ना चाहिए सरकारी स्कूल में, पढ़ना चाहिए। हाँ एकदम बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहिए, होता है होना चाहिए। दरअसल सरकारी शिक्षक के पास एक ही काम नहीं होता सिर्फ पढ़ाना, उसके पास जनसंख्या